नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज का 11th एपिसोड। तो अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप सब लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज ने खुद को उरु मेटल से जोड़ लिया है और मल्टी स्टार की एनर्जी ली है, जिसके कारण कार्नेज ने अब उसका खुद का नया नेक्रोसर बनाया है जिसे वो ऑल ब्लड कहता है। और साथ ही कार्नेज ने अब जॉनशर को अपना होस्ट बना दिया है। और ये देखकर आर्टिस्ट डर जाता है और सीधा पहुंच जाता है क्लेटस कैसिडी के पास ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम आर्टिस्ट को देखते हैं जो क्लेटस के सामने खड़ा था। और तब आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि मैं केनेथ नेली हूँ, जिस पर क्लेटस कहता है इससे मैं क्या करूँ, जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, जिस पर क्लेटस कहता है कि मुझे नहीं लगता। तभी आर्टिस्ट क्लेटस के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं केनेथ हूँ और मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मुझे आर्टिस्ट कहते हैं और मैंने 35 लोगों को अब तक मारा है। जिस पर क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है 35 बस। ये कहते ही क्लेटस वहां से उठ जाता है और तब उसके हाथ से कुछ निकलने लगता है और तब वहां सब कुछ बदल जाता है। तभी आर्टिस्ट देखता है कि अगले पल वह एक बार में है और वहां बार के सारे लोगों को क्लेटस ने मार दिया है। तभी क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि यह ट्रक स्टॉप है और इसे अब तोड़ दिया गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोहरा मचा दिया था। मैं यहाँ कुछ सालों पहले आया था और मैंने यहाँ पर पैनकेक मंगवाया था, लेकिन इन लोगों ने देर कर दी, इसलिए मैंने यहाँ के 39 लोगों को मार डाला, तुमसे दो ज्यादा। तभी आर्टिस्ट अपने ऊपर लगे हुए ब्लड को चेक करता है और कहता है कि तुमने इन सबको कैसे मारा। जिस पर क्लेटस कहता है कि मैंने इन्हें स्क्रू ड्राइवर से मारा। तभी आर्टिस्ट कहता है नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। जिस पर क्लेटस पूछता है कि तुम ये पूछना चाहते हो ना कि मैंने इन सबको कैसे मारा। वेल, तो ये मेरा खेल है और ये मैं खेल उन सारे लोगों के साथ खेलता हूँ जो यहाँ आते हैं। तभी आर्टिस्ट क्लेटस से पूछता है कि मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ, लेकिन तभी कुछ लोग आर्टिस्ट को पकड़ कर रखते हैं और तब क्लेटस अपना स्कैल्पेल निकालता है और आर्टिस्ट से कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें इस स्कैल्पेल से अब भी मार सकता हूँ। जिस पर आर्टिस्ट फिर से कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, मैं यहाँ कार्नेज की बात करने आया हूँ क्योंकि वो गॉड बन चुका है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कार्नेज देखते हैं जो गॉड्स को मारने निकला था। और तब जॉनशर्ड कहता है कि कार्नेज को रोकना होगा, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस मॉन्स्टर को ढूंढने में निकाल दी और अब मैं इसका होस्ट बन चुका हूँ। तभी कार्नेज वहाँ के कुछ गॉड्स को अपने ऑल ब्लड से मारने लगता है, लेकिन तभी जॉनशर्ड कार्नेज से बाहर निकलने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिस पर कार्नेज कहता है कि यह प्रोटेस्ट किसी काम का नहीं है, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते हो। ये कहते ही जॉनशर्ड कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। जिस पर कार्नेज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए तो तुम मेरे पीछे आए और अब देखो तुम मेरे होस्ट बन गए हो। ये कहते ही कार्नेज फिर से जॉनशर्ड को अपने अंदर खींचता है और कहता है चलो अपने नए शिकार के पास जाते हैं। जिस पर जॉनशर्ड कार्नेज से कहता है नया शिकार, तुम्हारे पास ये स्पीयर है और कई सारे पावर्स और फिर भी तुम्हें कितनी पावर की भूख है। जिस पर कार्नेज कहता है कि मैंने हर किसी का कैलकुलेशन किया है और फिलहाल मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ। तभी जॉनशर्ड सेंस कर लेता है कि कार्नेज जॉनशर्ड की मेमोरीज देख रहा है और तब जॉनशर्ड कार्नेज से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर कार्नेज जॉनशर्ड से कहता है कि तुम बहुत अच्छी जगह पर गए हो। ये कहते हैं कार्नेज वहां पर स्पॉट डायमेंशन खोलता है और कहता है कि चलो जॉन तुम्हारी दिखी हुई जगह पर जाते हैं। यहाँ आर्टिस्ट और क्लेटस एक डाइनर में बैठे थे। तभी क्लेटस आर्टिस्ट से पूछता है कि अब कार्नेज कॉप के साथ है। जिस पर आर्टिस्ट हाँ कहता है। जिस पर क्लेटस कहता है आई लाइक इट। जिस पर आर्टिस्ट कहता है लाइक इट, कार्नेज गॉड्स को मारने में लगा है और तुम मेरी बात समझ ले रहे हो। जिस पर क्लेटस कहता है कि यहाँ के पैनकेक बहुत अच्छे हैं। जिस पर आर्टिस्ट को गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर जोर से कहता है कि मेरी बात सुनो केसरी। लेकिन तभी क्लेटस
आर्टिस्ट के हाथ में फोक घुसा देता है और ऊपर लगा हुआ खून टेस्ट करता है और कहता है कि मुझे बस एक ड्रॉप चाहिए था। तभी क्रेटस आर्टिस्ट से कहता है, बैठो और अपनी बात बताओ। ये कहते ही क्रेटस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की मेमोरीज दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी मेमोरीज है ना। जिस पर आर्टिस्ट क्रेटस से कहता है कि हाँ ये मेरी मेमोरीज है, ये तब की है जब मैं कार्नेज को बुला रहा था। लेकिन तभी क्रेटस वहां रखे हुए कीड़े उठाता है और आर्टिस्ट को दिखाकर चिढ़ने लगता है, जिसके कारण आर्टिस्ट वहां पर रखा हुआ स्कैल्पल उठाता है और क्रेटस का गला काट देता है और कहता है कि तुम चुप क्यों रहते हो। ये कहते ही आर्टिस्ट वहां से बाहर भागने लगता है और क्रेटस से कहता है कि तुम बहुत बड़े इडियट हो, मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे लेकिन तुम तो कुछ काम के नहीं हो। ये कहते ही आर्टिस्ट वो स्कैल्पल फेंक देता है। लेकिन तभी क्रेटस वो स्कैल्पल उठाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपना स्कैल्पल भूल गए हो। ये कहते ही आर्टिस्ट देखता है कि उसके पास भी कार्नेज का सिम्बियोट था और तब आर्टिस्ट ये देखकर क्रेटस से पूछता है कि तुम क्या हो, तुम अगर कार्नेज नहीं हो तो फिर तुम कौन हो। जिस पर क्रेटस हंसने लगता है और कहता है कि अब तुमने सही सवाल पूछा। तभी आगे क्रेटस कहता है कि मैं जब इंसान था तब मैं मर गया पर मेरी मेमोरीज कोडेक्स में रह गई और वो कोडेक्स सिम्बियोट के हाइव माइंड में था और फिर मैं कोडेक्स बनकर ही कार्नेज के पास था। लेकिन फिर मेरा सामना आयरन मैन से हुआ जो एक्सट्रीम वाइट सूट में था। कार्नेज उसे जुड़ गया और तब कार्नेज सिम्बियोट ड्रैगन से भी जुड़ गया और अब कार्नेज के अंदर सिम्बियोट ड्रैगन था और साथ ही एक्सट्रीमिस्ट सूट, जिसके कारण मैं जिंदा हुआ। लेकिन कार्नेज को यह पता नहीं था इसलिए वो खुद से बियॉन्ड चला गया। मैंने बहुत सी तबाही देखी थी इसलिए मैं यहाँ इस घर में वापस आ गया। जिस पर आर्टिस्ट क्लेटस से पूछता है कि कार्नेज का क्या हुआ। जिस पर क्लेटस कहता है कि लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे अब कार्नेज की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास एक्सट्रीम सूट और ड्रैगन से जुड़ा हुआ सिम्बियोट है। कार्नेज भले ही बाहर गॉड हो लेकिन यहाँ मैं गॉड हूँ। जिस पर आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि तुम इतने सालों से कार्नेज से जुड़े थे लेकिन जो कुछ भी हुआ वो कार्नेज ने किया था, तुमने क्या उखाड़ा, तुम भूल गए कि तुम क्रेटस कैसिडी हो जिसका नाम ही काफी है लोगों को डराने में और अब तुम क्या कर रहे हो इस घर में बैठ के। ये सुनते ही क्रेटस आर्टिस्ट से कहता है कि अपनी जुबान संभालो, तुम भूल रहे हो कि मैं क्रेटस कैसिडी हूँ। जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि दुनिया क्रेटस को भूल चुकी है तो अब समय आ चुका है दुनिया को याद दिलाने का कि क्रेटस वापस आ गया है। यह सुनते ही क्रेटस आर्टिस्ट से कहता है कि तुमने सही कहा। ये कहते ही क्रेटस का सिम्बियोट बाहर आता है और आर्टिस्ट से कहता है कि चलो मेरे साथ, हम बाहर जाके लोगों को नया शो दिखाएंगे जिसका नाम है क्रेटस कैसिडी शो। ये कहते ही हम क्रेटस का सिम्बियोट वाला रूप देखते हैं और इसी के साथ ये इश्यू यही कंटिन्यू हो जाता है।